नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं कनक बिष्ट। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के जालिम पंचों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त हुआ तो पंचायत द्वारा तालिबानी अंदाज में होने वाले जुल्म के और वीडियो भी सामने आने लगे हैं। हम बात कर रहे हैं बुलंदशहर के सियाना क्षेत्र के लौंगा में हुई उस पंचायत की, जिसमें एक महिला पर सरेराह जुल्म ढाने का फरमान जारी हुआ था। वीडियो के मीडिया में आते ही बुलंदशहर की डीएम, एसएसपी सहित पुलिस फोर्स ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी थी, जिसके बाद दो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, जो एक बार फिर पंचायत के तालिबानी जुल्म को बयां कर रहे हैं और फिर यही वीडियो पुलिस की नींद उड़ा रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। पहले आप पंचायत के फरमान के बाद हाथ में चमड़े की बेल्ट लिए खुद की पत्नी पर जुल्म ढाते इस शख्स को देखिए, जो किस तरह ग्रामीणों के सामने पेड़ से बंधी अपनी पत्नी पर कोड़े बरसाकर अपनी मर्दानगी का सबूत दे रहा है। महिला चीख चीख कर रहम की भीख मांग रही है, लेकिन यहां खड़ी जालिमों की फौज सिर्फ तमाशबीन बनी हुई है। अब आप पेड़ पर उल्टे लटके इस शख्स को देखिए, जो चीख चीख कर लोगों से मदद की गुहार लगा रहा है। दरअसल ये दोनों वीडियो एक ही पंचायत के हैं, उस पंचायत के जिसके तुगलक के फरमान के बाद लौंगा गांव पंचायत के फरमान के बाद चर्चाओं में आया तालिबानी पंचायत का एक वीडियो 5 दिन पहले फेसबुक पर वायरल हुआ था, जबकि दूसरा वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में पेड़ पर लटका युवक कोई और नहीं बल्कि पीड़ित महिला का देवर है, जो अपनी भाभी को एक शादी समारोह में ले गया था। और जब महिला और उसका देवर गांव वापस पहुंचे तो इनके खिलाफ गांव के उन लोगों ने पंचायत का ऐलान कर दिया, जो झूठी शान और शौकत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पहले तो आरोपी पति और उसके परिजनों ने महिला को घर से निकाल कर डंडे से पीटते पीटते पंचायत में लाए, और फिर चला पंचायत का हिटलरी हुक्म। पहले महिला को पेड़ से बांध कर पीटा गया और फिर महिला के देवर को भी पेड़ से उल्टा बांध कर चमड़ी की बेल्ट बरसाई गई। हालांकि वीडियो मीडिया में आने के बाद पुलिस ने पीड़ित महिला के पति सहित 9 और पीड़ित युवक की तहरीर पर 7, यानी इस मामले में पुलिस अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। देखिए, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि यह जो वीडियो आज वायरल हुआ है पुलिस की पिटाई वाला, यह पूर्व में विगत दिनों जो महिला की पिटाई का वीडियो था उसी का एक पार्ट है। यह दोनों वीडियो रिकॉर्डिंग एक ही दिन की है और एक साथ की है। पहले जो वीडियो वायरल हुआ वो केवल महिला वाला हुआ था, उसी का एक दूसरा पार्ट है जिसमें कि उसी समय उस पुरुष की पिटाई हो रही थी जिसके साथ ये महिला गई थी घर से। तो ये कोई नया वीडियो नहीं है और पूर्व में ही मैं बता चुका हूँ कि तत्काल इस पर भी अभियोग पंजीकृत कराया गया है इस पिटने वाले पुरुष की तरफ से, और इसमें 7 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और जेल भेजे जा चुके हैं। बुलंदशहर से यतिन शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।